मानसून धरती के स्वर्ग के लिए भी हानिकारक साबित हो रहा है। जहां पर कभी बादल फट रहे हैं तो कभी पहाड़ दरक रहे हैं। हिमाचल का हाल भी ठीक नहीं है। यहां पर सिरमौर में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ढहने से हाईवे ठप हो गया। मानसून ने धरती के स्वर्ग को नरक बना दिया है। ये तस्वीरें कश्मीर के गांदरबल की हैं, जहां बारिश बर्बादी की शक्ल में बड़ी तबाही लेकर आई, जिसने सड़कों पर ऐसा कहर ढाया कि पहले सड़कों का नामो निशान मिटाया और फिर जगह जगह मलबा भर गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़कों से लेकर दुकानों में सब में पानी भरा है, जिससे स्थानीय दुकानदारों का बड़ा नुकसान हुआ है। उधर कश्मीर के कंगन में एक पूरा स्कूल ही पानी में डूब गया। आप देख सकते हैं कि स्कूल के चारों तरफ पानी है, लेकिन इस बेबसी में एक बड़े प्रशासनिक फेलियर की कहानी है, जिसने वक्त रहते पानी निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया और खमियाजा जनता भुगत रही है। 2014 से ऐसी शक्ल आपको देखने को मिलती है। जब भी तेज बारिश होती है तो यहाँ से अलग सूरत हाल पैदा होती है। एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि एक तो चेक डैम्स बनाए, ऊपर से जो नाले एनक्रोच करके रखे है लोगों ने उनको वापस लिया जाए उनसे, और साथ साथ जो ड्रेन बंद किए लोगों ने एनक्रोच करके रखे उनको भी खोल दिया जाए ताकि पानी को अपना रास्ता मिले। कश्मीर के गांदरबल में शनिवार से ही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। शहर की ज्यादातर सड़कों ने जलसमाधि ले ली है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी अपने साथ बड़ी संख्या में मलबा भी लेकर आया है, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप है। स्थानीय लोग खुद ही मलबे को हटा रहे हैं ताकि स्थिति और खराब न हो। अभी एक दिन पहले कश्मीर के पुलवामा में बादल फटने से बड़ी तबाही मची थी। सैलाब का ऐसा गुस्सा फूटा था कि सड़कों पर नदी बहने लगी थी। और देखते ही देखते बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया था। मानसून के इस सीजन में कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं चट्टान दरक रही है। अब हिमाचल के सिरमौर से आई इस तस्वीर को देखिए, जो किसी भी दिल में दहशत भर सकती है। जहां एक बड़े पहाड़ का हिस्सा देखते ही देखते ढह गया, ये सब इतनी तेजी से हुआ किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, और समझ आया तब तक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका था। इस लैंडस्लाइड से नैनीधार गत्ताधार मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया है। इसी तरह पहाड़ का एक हिस्सा 15 अगस्त को कश्मीर के बांदीपोरा में ढह गया था। जिस जगह यह हादसा हुआ था वहां नीचे गाड़ियां चल रही थी। ये दोनों ही तस्वीरें दहशत भरने वाली हैं, क्योंकि आम तौर पर लोग पहाड़ घूमने जाते हैं, लेकिन सोचिए जिस पहाड़ के पास से आप गुजर रहे हैं अगर वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए तो क्या होगा, सोचकर ही डर लगने लगता है। लेकिन कश्मीर और हिमाचल में रहने वाले लोग इस डर का सामना मानसून में हर रोज कर रहे हैं। लेकिन पहाड़ पर सिर्फ चट्टान नहीं गिर रही है, बादल भी डायनामाइट बनकर फट रहे हैं। अब तक हिमाचल और कश्मीर को मिलाकर आधा दर्जन से ज्यादा जगह बादल फट चुके हैं, और अब तो आलम यह है कि बादल थोड़े भी गरजते हैं धड़कने बढ़ने लगती हैं, क्योंकि बादल फटने के बाद जो तबाही होती है वो सब कुछ बर्बाद कर देती है।